पानी कर रहा है जहर का काम, अब पानी लेने लगा है लोगों की जान, अब जल को जीवन कहना छोड़ दीजिए क्योंकि जल बन रहा है अब मौत का दूसरा नाम। जी हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि भला क्या मजाक कर रहे हो यार, पानी भला किसी की जान कैसे ले सकता है, पानी तो मरते इंसान को जिंदा कर देता है। पर दोस्तों ये बात सच नहीं है, क्योंकि पानी अगर गलत तरीके से पिया जाए तो ये शराब और नशीली दवाइयों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और कैसे आप पानी के गलत इस्तेमाल से बच सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आजकल पानी को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा ज्ञान देते हैं, एक्सपर्ट्स से लेकर क्रिकेटर्स तक हर कोई ये बोलता रहता है कि अगर आप बेहतर फिटनेस चाहते हैं तो ज्यादा पानी पिया करो, ग्लोइंग स्किन चाहिए तो पानी पियो, ये चाहिए तो पानी पियो, वो चाहिए तो पानी पियो, यहाँ तक कि मोटापा कम करना है तो भी दबा के पानी पियो। अब यार हर एक चीज में ज्यादा पानी पीने वाली फिलॉसफी ऐसे फिट कर दी जाती है जैसे पानी नहीं अमृत हो गया हो। खैर अगर देखा जाए तो पानी अमृत की ही तरह काम करता है अगर इसे सही ढंग से और सही समय पर पिया जाए तो, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल होने लगता है तो यही अमृत बन जाता है, खतरनाक वाला जहर। अब देखा जाए तो दोस्तों इंसान का शरीर पानी से बना हुआ है और पसीने और पेशाब के रूप में पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है, इसलिए हमें पानी पीते रहना चाहिए, ये बात तो हमें समझ में आती है, ताकि शरीर में पानी का लेवल बना रहे और शरीर की टॉक्सिसिटी पसीने और पेशाब के रूप में बाहर निकल सके। और इसी बात को सोचकर लोग अब ज्यादा पानी पीने लगे हैं, बिना मतलब के बिना बात के बस पानी पीने की कोशिश करते रहते हैं और लोगों की यही आदत अब उनकी जान का दुश्मन बनती जा रही है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही फेमस मेडिकल टर्म है जिसे वाटर इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। ये बहुत ही खराब मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें पानी शरीर के लिए जहर बन जाता है। यहाँ आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत होती है और ये कंडीशन किसी को भी हो सकती है। पर बात केवल यहीं पे नहीं रुकती है, क्योंकि एक और भारी भरकम शब्द है हाइपोनैट्रेमिया, ये भी कुछ कम नहीं है। अब इसमें क्या होता है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें जाननी होगी, क्योंकि आपको अगर पीली पेशाब हो रही है और आप ज्यादा पानी पीकर अपनी पेशाब को सही करना चाहते हैं तो जरा थम जाइए, या फिर आपको बहुत तेज प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, उससे पहले आप पानी नहीं पीते तो यहाँ पे भी आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत तेज प्यास लगे और प्यास से गला सूखने लगे इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो चुका है। बॉडी अगर इस तरह के इशारे देती है तो यहाँ पर आपको एक या दो लीटर पानी पीने की नहीं बल्कि डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है आपको, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो पानी पिएंगे और सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। पर दोस्तों पानी पीने का साइंटिफिक तरीका भी होता है और पानी पीने की लिमिट भी होती है, ऐसा नहीं कि बस दबा के पीते जाइए। जरूरत से ज्यादा पानी पीकर हम हमारे शरीर की बैंड बजा रहे हैं और कुछ नहीं, और जिसमें सबसे ज्यादा असर हमारी किडनी पर होता है, हमारे हार्ट और लीवर पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि पहले के समय में लोगों को इस तरह की कोई भी तकलीफ ही नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें न केवल खाना खाने का सही तरीका पता था बल्कि वो पानी पीने के भी आयुर्वेदिक और सही तरीके को ही फॉलो करते थे। पर अब मॉडर्न दुनिया में आते ही लोगों का दिमाग हो चुका है खराब, क्योंकि वो समझते हैं अपने को समझदार, उन्हें लगता है कि पानी को ज्यादा पीकर वो मिस वर्ल्ड की तरह खूबसूरत बन जाएंगे, या फिर पानी उन्हें इलॉन मस्क की तरह अमीर और तेज दिमाग वाला बना देगा। पर ऐसा नहीं है, पानी सिर्फ और सिर्फ आपको फिट, एक्टिव और एनर्जेटिक रख सकता है, और ये चमत्कार भी तभी होगा जब आप पानी और उसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को समझेंगे। क्योंकि अगर हम हाइपोनैट्रेमिया की बात करें तो इस कंडीशन में शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ जाती है, जिसकी कमी को दूर करने के लिए हमें नॉर्मल पानी की नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है। और इसीलिए जब किसी को लूज मोशन होता है या फिर शरीर में पानी की ज्यादा कमी आ जाती है तो उसे पानी के अंदर इलेक्ट्रोल डालकर दिया जाता है और तब जाकर थोड़ी बहुत राहत मिलती है। लेकिन जब कंडीशन ज्यादा ही खराब हो जाती है तो इलेक्ट्रोल जैसी चीजें भी काम नहीं आती हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी खुले आसमान के नीचे तेज धूप में काम करती रहती है, लोगों को किसी न किसी सिलसिले में सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर आते जाते रहना ही पड़ता है। कोई सेल्समैन का काम करता है तो कोई ऑटो चलाकर अपना घर संभालता है, और कुछ लोग तो मेहनत मजदूरी करके ही दूसरों के लिए बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं। इसके अलावा भी आपको सड़क पर लोग मेहनत करते हुए दिखाई देंगे जो तपती धूप में लगे रहते हैं पसीने से तरबतर। ऐसे लोगों के शरीर में बहुत पसीना निकलता है और यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद शरीर से सिर्फ पसीना नहीं निकलता बल्कि पसीने के साथ हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट यानी कि नमक निकल जाता है। नॉर्मली देखा जाए तो लोग शरीर से निकलने वाले पसीने की भरपाई करने के लिए
पानी तो पी लेते हैं, पर हमारा सवाल अभी भी वहीं पर आकर अटक गया है कि क्या सिर्फ पानी पीना काफी है? क्योंकि पसीने के साथ जब शरीर से नमक बाहर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप पानी पीते रहते हैं तो शरीर के अंदर पानी की तादाद तो बढ़ जाती है लेकिन नमक की कमी आ जाती है और तब जाकर हाइपोनैट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इस कंडीशन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये इतनी खराब हो जाती है कि लोगों के शरीर में तरह तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। कुछ लोगों को चक्कर आने लगता है तो कुछ के सिर में दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि कई लोग कंफ्यूजन का भी शिकार हो जाते हैं जिन्हें आसपास हो रही चीजों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता है। इमेजिन करिए कि सड़क पर चलते चलते आपको कुछ होने लगे तो क्या होगा? जी हाँ, बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन लोगों को बड़े लेवल पर हाइपोनैट्रीमिया हो जाता है उन्हें झटके तक आने लगते हैं और कई बार तो ये भी देखा गया है कि कुछ लोग कोमा में चले गए और फिर उसके बाद कभी लौट कर वापस नहीं आए और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, जब जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारी कोशिकाओं में आ जाती है सूजन। ये है एक खतरनाक कंडीशन जो आपके दिमाग तक में सूजन कर सकता है, किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल सकता है। और वैसे भी कई सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, शरीर में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं डालते हैं, अच्छी तरह से खाना खाते हैं, आयुर्वेदिक फूड डाइट को फॉलो करते हैं, उनका जो शरीर होता है वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और ऐसे लोगों की किडनी एक घंटे में 1 लीटर पानी फिल्टर करती है, वरना अगर आप उल्टा सीधा खाते हैं, शरीर खराब रहता है, तो किडनी को पानी फिल्टर करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको अपनी डाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहा गया है इसलिए पीना है। अब जहां एक नॉर्मल इंसान को दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी ही पीना चाहिए, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम, और पानी को हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए जिससे पानी हमारे शरीर में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो सके और शरीर का हाइड्रेशन बढ़ता है। और सुबह जो आप खूब सारा पानी पीते हैं ना, उस पर भी कंट्रोल करिए। 1 लीटर पानी आप सुबह पी सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप शहद और नींबू निचोड़ लेंगे तो वो पानी सुबह सवेरे अमृत की तरह वाकई में काम करेगा, जो ना केवल आपको ताजगी देगा बल्कि बीमारियों से लड़ने की हिम्मत भी देगा। इसीलिए दोस्तों, खास तौर पर जब एथलीट्स या फिर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने वाले डांसर्स वगैरह मेहनत करने के बाद खूब सारा पसीना शरीर से निकालते हैं ना, तो उन्हें डॉक्टरों द्वारा सिर्फ पानी पीने की सलाह नहीं दी जाती है, बल्कि उन्हें पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डालकर दिया जाता है। क्योंकि अगर ज्यादा पसीना निकलने पर लगातार सादा पानी पिया जाए तो शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। और दोस्तों, जिन लोगों की उम्र अधिक हो जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, उनमें भी पानी की वजह से समस्या होने लगती है। किसी की हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी की किडनी और लीवर खराब हो जाती है। शुरुआत में तो उन्हें लगता है कि चलो भाई कुछ बात नहीं है, सब ऐसे ही है, होता रहता है। बाद में उन्हें असली वजह का पता चलता है कि समस्या ये थी। यहाँ तक कि दोस्तों, कई सारे हार्ट के मरीजों को भी ये कहा जाता है कि आप दिन भर में सिर्फ 1 लीटर लिक्विड का ही सेवन करिए। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।